Hey guys, welcome to my channel. That's Palagala and Maku Kaksha. In today's video, I'm going to review Minimalist Hair Growth Serum, जो कि इस टाइप की ड्रॉपर पैकेजिंग में आपको मिलता है। 30 ml की क्वांटिटी आपको 799 रुपीस में मिलती है। एक साल इस प्रोडक्ट के साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है, लेकिन एक बार आप इसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स रह जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं अपना 3 वीक्स का एक्सपीरियंस लाइव क्लिप्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 वीक इस सीरम को यूज करने के बाद मुझे इतना ज्यादा इफेक्टिव लगा कि मैंने इसकी दूसरी बॉटल परचेज की मेरे हस्बैंड के लिए। तो अगर आप हेयर फॉल से रिलेटेड या फिर हेयर ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको रिव्यू शुरू करने से पहले ही इस प्रोडक्ट को हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। मिनिमलिस्ट एक इंडियन ब्रांड है जो कि साइंस बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, और ये इनका पहला हेयर केयर रिलेटेड प्रोडक्ट है। इसमें आपको 18% हेयर ग्रोथ एक्टिव्स मिल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ दो बहुत ही ज्यादा कॉमन हेयर केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सुनने में बहुत ही ज्यादा बेसिक लगती है, सुनने में लगता है कि कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है, लेकिन जब आप सीवियरली सफर करते हो, आप देखते हो कि दिन पे दिन आपका हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है और हेयर ग्रोथ कम होती जा रही है, और आप अपनी बालों की डेंसिटी में रोज 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 कमी देखते हो, तो आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। और मैं ये इसीलिए बोल सकती हूँ क्योंकि पिछले 1.5 महीने से मैं सीवियरली हेयर फॉल से जूझ रही थी। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट अपने बालों में अप्लाई किया जिसके बाद मुझे सीवियर हेयर फॉल हो गया, और उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट या और किसी भी सप्लीमेंट ने उस हेयर फॉल को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प नहीं की। वैसे तो हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा नॉर्मल प्रोसेस है हेयर ग्रोथ के लिए। आपके जो बाल होते हैं वो हेयर फॉलिकल से अटैच होते हैं, और हर एक हेयर फॉलिकल की एक ग्रोथ साइकिल होती है, और जैसे ही वो ग्रोथ साइकिल कंप्लीट होती है आपका बाल निकल जाता है, और वहीं से ही उसी फॉलिकल से एक नया बाल निकलना स्टार्ट होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पहला वाला बाल ग्रोथ साइकिल खत्म होने के बाद निकल जाए और उस फॉलिकल से नया बाल निकलना स्टार्ट ना हो। दूसरी प्रॉब्लम तब होती है जब आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगते हैं। श्रिंक होने की वजह से आपके जो बाल हैं वो थिन आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो 2 प्रॉब्लम है, हेयर थिनिंग की और न्यू हेयर ग्रो ना होने की, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन इस सीरम में आपको 5 हेयर ग्रोथ एक्टिव्स मिल रहे हैं जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने से लेके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने, DHT को ब्लॉक करने और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले हम लाइव क्लिप्स की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट में हम इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सीवियर हेयर फॉल की वजह से मेरे बालों की डेंसिटी कम हो रही थी, और ये प्रोमिनेंटली फोरहेड के पास दिखाई भी दे रही थी। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, एकदम माथे के पास बहुत ही कम हो गए थे मेरे बाल, और इवन स्कैल्प भी आप साफ साफ देख सकते हैं। जब भी हेयर फॉल की स्पीड हेयर ग्रोथ की स्पीड से ज्यादा होती है, तभी आप अपने बालों की डेंसिटी में कमी देखते हैं। इस सीरम को आपको कैसे यूज करना है एफिशिएंटली, ये भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सिर्फ 7 से 8 दिन यूज करने के बाद आप यहाँ पे मेरे फोरहेड के पास के एरिया में बालों की डेंसिटी में अंतर आई गेस देख पा रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन यूज करने के बाद ही मैंने देखा कि मेरे बाल थोड़े से थिक मुझे लग रहे थे, और जो मेरी ग्रोथ है हेयर ग्रोथ का रेट भी बढ़ गया था। और फाइनली ये क्लिप है 3rd वीक खत्म होने के बाद की, यानी कि करीब 20-25 डेज इस सीरम को यूज करने के बाद की। जस्ट कल ही रात में मैंने ये वीडियो शूट की है, हेयर वॉश करने के बाद की ये क्लिप है, और आई थिंक मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सीरम के सिर्फ 20-25 डेज में इफेक्ट साफ साफ देख सकते हैं। ये एक रैंडम क्लिप है जिसमें आप बहुत सारे छोटे छोटे बाल यानी कि बेबी हेयर मेरे सर पे देख रहे होंगे। ये सीरम आपके हेयर ग्रोथ के रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और सिर्फ 2 वीक डेली यूज करने के बाद मैंने अपने बालों की डेंसिटी में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा, जो आपने भी लाइव क्लिप्स में ऑब्जर्व किया होगा।
अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोडक्ट को यूज करने का सही तरीका क्या है। मैं पिछले एक वीक से इस प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे रात में लगा रही हूँ, क्योंकि इसे आपको सिर्फ और सिर्फ रात में यूज करना है। स्टार्टिंग में मुझे भी इसे सही से यूज करना नहीं आया था, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, लेकिन एक हफ्ता यूज करने के बाद अभी मुझे इसे सही से अप्लाई करना आया है कि आपको इस सीरम को अपनी स्कैल्प में कैसे सही से अप्लाई करना है। तो आपको डेली रात में इस सीरम को अपने बालों में, अपनी स्कैल्प में लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैल्प में लगाना है। तो आपको ये ड्रॉपर टाइप की पैकेजिंग में तो मिलता ही है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ड्रॉप्स लेनी है। और इसका जो ड्रॉपर है वो थोड़ा अजीब है, सीरम से अजीब है, ऐसे करते बिना दबाए ही ये निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका ड्रॉपर बिना दबाए ही ये जो सीरम है उसे निकालना स्टार्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ड्रॉप अपनी फिंगर टिप्स पे लेनी है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद ऐसे मसाज करना है, दोनों हाथ पे लग जाएगा, और उसके बाद आपको बस ऐसे कर लेना है, ठीक है, और फिर ऐसे, क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना है। आपको बहुत कम अपने बालों में सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। 800 रुपए का प्रोडक्ट है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वेस्ट हो, बहुत ही ज्यादा मैजिकल प्रोडक्ट है। आपको इसे रोज रात में इस टाइप से लगाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक वीक से मैं इसे लगा रही हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने इसे शुरू करने के बाद, इसे लगाना शुरू करने के बाद पहली बार हेयर वॉश किया था, मेरा जो हेयर फॉल था वो 50% तक कम हो गया, 50% सच में। उसके बाद ऐसे ही आपको हर जगह लगाना है, बहुत ही इजी तरीका है इसे लगाने का, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको अपने सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, बालों में लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। मुझे जो गंजेपन की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे थी सबसे ज्यादा, जब मुझे हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो यहाँ से मेरा सर एकदम खाली दिखाई देने लगता है, लेकिन इससे बहुत सारे नए नए बाल इस जगह पे आ गए हैं, इस वजह से अभी आप वो गंजापन नहीं देख पा रहे होंगे। ये आपके बालों को बिल्कुल भी चिपचिप भी नहीं करता है। रात में जब आप इस प्रोडक्ट को लगाते हैं तो आपको ऊपर से लगेगा कि आपके बाल थोड़े से चिपक गए हैं, लेकिन सुबह में जब आप उठेंगे सो के, वापिस से आपके बाल बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे होने चाहिए। और इसी टाइप से आपको पीछे भी लगाना है, बस सिर्फ ऐसे आपको इसे लगाना है, उसके बाद आपको अपने बालों को बांध लेना है, एंड दैट्स ऑल। ये जो सीरम है पूरी रात अपना काम करेगा। तो ये ही इसका एप्लीकेशन का तरीका है। जब मैंने इसे पहली बार यूज किया था तब मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़े थे, क्योंकि मुझे बहुत सीवियर हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी तब। अभी भी आपको दिखेगा कि एक हफ्ते में भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बाल गिरना बंद हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितनी बार भी ऐसे हाथ निकालो उतनी बार ही बाल निकलते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 50% तक मेरे जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो गया है इस सीरम से। लेट मी जस्ट शो यू। तो ये जो इतना हेयर फॉल मुझे हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स अपने बालों में से निकालने के बाद हुआ है। तो अभी मैं अपने बालों को कॉम करूंगी, तब आप देखेंगे कि इतने ही बाल मेरे और भी निकलेंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी डाला था कि मैं नीम वुडन कॉम यूज करती हूँ, क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और इससे बाल अगर आपके झड़ रहे हैं ना तो उसमें भी काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सारे रूम में बाल हो जाते हैं जब भी मैं कॉम करती हूँ। ये है आज रात का मेरा टोटल हेयर फॉल, एक वीक मुझे इस सीरम को यूज करते हुए हो गया है, तो इतने बाल मेरे निकले हैं। और ये आप मेरे रूम पे चारों तरफ ये बाल देख सकते हैं, पूरे रूम पे बाल हो गए हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ मॉर्निंग की क्लिप शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि दिस सीरम इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर ऑयल। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया रात में हो सकता है आपने बाल ऊपर से थोड़े से चिपचिपे लगे, लेकिन सुबह उठने के बाद आपके बाल एकदम परफेक्ट लगते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपने रात में अपने बालों में कोई भी ऑयल यूज किया था। ये एकदम परफेक्ट है, इवन ये काफी हद तक आपके फ्रिजीनेस को कम करता है, आपके बालों को नरिश करता है, और हेयर फॉल भी इस सीरम को लगाने के बाद मॉर्निंग में कम होता है।
मैंने इस वीडियो में हर छोटी से छोटी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 799 रुपीज का है। काफी मेहनत लगी और पूरे 3 वीक लग गए इस वीडियो को शूट करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आपको ये डिसाइड करने में इजी हो जाए कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट अब हम इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रोडक्ट में आपको सबसे पहले कैपिक्सिल 5% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिल रहा है। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने से रोकता है, यानी कि बेसिकली ये DHT को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। इसके बाद इसमें आपको रेडेंसिल मिल रहा है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें जो थर्ड हेयर ग्रोथ एक्टिव है वो है प्रोकैपिल। प्रोकैपिल एक रिलेटिवली न्यू फॉर्मूला है जो ऑलिव एंड सिट्रस ट्रीज में पाया जाता है। ऑल स्टडीज के अकॉर्डिंग ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देता है, हेयर लॉस से प्रिवेंट करता है और हेयर ग्रोथ को 121% तक बूस्ट करता है। नेक्स्ट इसमें बायोकैपिल आपको 4% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिल रहा है, जो कि एक साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है हेयर ग्रोथ और डेंसिटी को बूस्ट करने के लिए। इसके साथ साथ हेयर लॉस कंट्रोल में भी आपको इसके विजिबल इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। पर आप इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। इसमें आपको कटलेरिया मिल रहा है जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। कमेलिया हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इसमें कुछ बहुत अच्छे कंडीशनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी हैं। एसिटाइल टेट्रापेप्टाइड 3 आपके बालों के स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथ देता है और इन्हें हेल्दी बनाता है, ब्रेकेज से प्रिवेंट करता है और फ्रिज फ्री बनाता है। डेक्सट्रन ब्लड रेट को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऑयल फ्री बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और एडवांस है। मैं अपने 3 वीक्स के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका हेयर फॉल बढ़ते जा रहा है और आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं कहीं पे आपके बालों की डेंसिटी इतनी कम हो गई है कि स्किन दिखाई दे रही है, यानी कि स्कैल्प दिखाई दे रही है, तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपको फर्स्ट वीक से इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है या फिर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है, जो कि मेरे हस्बैंड को है, तो मैं बहुत जल्दी इसका एक रिवाइज रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी मेरे हस्बैंड के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बालों की थिनिंग की प्रॉब्लम है और यहाँ पे सर के बीच में जो बालों की डेंसिटी है वो बहुत कम है। तो मैं बहुत जल्दी इसका एक रिवाइज रिव्यू आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें हम ये दो इश्यूज डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस रिव्यू से आपको हेल्प मिली होगी ये डिसाइड करने के लिए कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।